हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी टाइम हो गया है रात 12:25 के आसपास। तो इतना रात में मैं सबको अपना वीडियो में वेलकम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं रात 12 से 2 तक का जो गिग्स है उसमें काम करने वाला हूँ। और इस काम में एक फ़ायदा भी है, क्योंकि पिछले हफ्ता मतलब ये जो हफ्ता जा रहा है, ये हफ्ते में एक ऑफ़र था। उस ऑफ़र में था कि मैं अगर 65 गिग्स कम्प्लीट करूँगा और लंच पिक और डिनर पिक ये दोनों मिला के अगर मैं 12 गिग्स कंप्लीट करूँगा, मतलब वो 65 का अंदर, तो मुझे 1500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा 1500 रुपया पाने के लिए मैं आज रात में 12 से 2 तक ड्यूटी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा 64 गिग्स कंप्लीट हो रहा है और 1 गिग्स नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं अभी 1 गिग्स अभी बुक किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी भी बुक किया और उसी गिग्स पर काम करने वाला हूँ। और ज़्यादा काम नहीं करूँगा, क्योंकि कल सुबह फिर से जिप्टो में काम करना है। ठीक है दोस्तों, मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा मजबूरन करना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा मेहनत करने से और थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो आज का करने का वही मकसद है कि 1500 रुपया ऐसा ही चला जाएगा, तो सोच के मैं बस ऐसा ही कर रहा हूँ। और 1500 नहीं तो मुझे 1250 रुपये मिल जाता, क्योंकि उसमें 55 गिग्स कम्प्लीट करना पड़ेगा और 11 गिग्स कम्प्लीट करना पड़ेगा ऐसा डिनर और लंच पैक मिला के। तो मैं सोचा 1 गिग्स अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो मुझे 1500 मतलब 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। वही सोच के मैं आज रात में इतना बड़ा कदम उठाया। फिर कितना बजे तक ड्यूटी होगा पता नहीं, और कितना ऑर्डर मिलेगा वो भी पता नहीं। अभी फ़िलहाल एक ऑर्डर है जो पिछले वीडियो में मैं आधा बोल के आया, उस ऑर्डर को अभी कम्प्लीट कर रहा हूँ, और उसमें रेडी होने के लिए 30 मिनट मांगा था। ठीक है, तो देखता हूँ और कितना बजे पिकअप होता है, फिर डिलीवरी करता हूँ। उसमें 52 तक ऐसा दिखाया था पैसा, तो कितना मिलता है वो भी देख लेता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कितना मिलता है, कितना अर्निंग होता है वो देख लेते हैं पूरा दिन में। तो ये वीडियो में एक खास बात है कि आज रात 12 से मैं स्टार्ट किया ड्यूटी, कल रात 12 तक मैं ड्यूटी करूँगा, मतलब 24 आवर्स टोटली। तो 24 आवर्स में कितना पैसा मिल रहा है वो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको आराम से पता चल जाएगा। ऊपर से दोस्तों आज संडे भी है, तो संडे में ज़्यादा अर्निंग होता है, और इतना गिग्स बुक किया पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत पैसा होने वाला है, मतलब पूरा हफ्ते का कमाई एक ही दिन में होने वाला है। दोस्तों आज का पहला ऑर्डर पिकअप हो गया, ये सैटरडे जाके असाइन हुआ था, आज संडे जाके डिलीवरी कर रहा हूँ, मतलब एक दिन लग रहा है ये ऑर्डर डिलीवरी करने में। दोस्तों कस्टमर के लोकेशन में पहुँच गया, और साथ ही साथ कस्टमर को कॉल भी कर दिया, क्योंकि अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं, 12 ज़्यादा हो गया, तो इस हिसाब से कस्टमर भी आ गया। दोस्तों कस्टमर ने अपना पार्सल ले लिया और मैं जा रहा हूँ दूसरा लोकेशन में, मतलब दूसरा ऑर्डर के लिए, और ऑलरेडी आधा घंटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 1.5 घंटा मुझे कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो दोस्तों जैसे कि पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो थैंक यू बोल देता हूँ और रेटिंग भी दे दी। इसमें कितना मिलता है, इसमें 55 रुपीज़ मिला दोस्तों, लेकिन ये आज का पैसा नहीं, ये कल का पैसा है, मतलब पिछले वीडियो का पैसा इस वीडियो में दिख रहे हैं, और एक ऑर्डर ऑलरेडी नीचे आसान हो गया, तो ये इस वीडियो का पैसा होगा। तो दोस्तों ये आज का अर्निंग के स्टार्ट हो गया 42 रुपीज़ से, तो चलिए इसको कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखा होंगे कि ये जो ऑर्डर आया उसमें 42 रुपीज़ शो हो रहा था, लेकिन उसका डिस्टेंस आप देख सकते हो, 1 मिनट का रास्ता है 300 मीटर का, इतना सा ओनली इतना सा रोड। तो रात 12 के बाद जितना भी ऑर्डर किया जाए वो बहुत पैसा देता है, 300 मीटर में इतना पैसा दे रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा देगा, 80-90 रुपये तक मिल जाता है एक ऑर्डर में। दोस्तों अभी भी जो ऑर्डर असाइन हुआ था उस लोकेशन में तो पहुंच गया पहले, और ऑर्डर रेडी हो गया, जल्दी जल्दी इसको कम्प्लीट कर लेता हूं। तो दोस्तों कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन में पहुँच गया, ऑर्डर डिलीवर्ड भी हो गया, रेटिंग दे देता हूं, और इतना नज़दीक आपको तो पता ही होगा कि कितना जल्दी पहुँच गया, 2-3 सेकंड लगा होगा ऐसे, इतना 290 मीटर आप देख सकते हो, इसमें 42 रुपीज़ मिला, और आज का पहला अर्निंग 42 रुपीज़। और एक ऑर्डर ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, तो देख लेते हैं। ओके दोस्तों इसका भी बहुत ही नज़दीक है, ये भी सेम ही है ऐसे ही, तो ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ, सेम रेस्टोरेंट से आया लेकिन नाम अलग है। दोस्तों पिकअप लोकेशन में पहुँच गया, और ये ऑर्डर रेडी होने में 19 मिनट तक लगेगा आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही नज़दीक है, 250 मीटर के आसपास है, तो चलता हूँ इसको भी कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि उस वीडियो में कितना अर्निंग हुआ है वो इस वीडियो में बताऊँगा, तो सिंपली उस वीडियो में टोटल अर्निंग हुआ था सिंपली, अब देख सकते हो इसमें 953। ठीक है,
और आज अभी तक एक ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ और एक ऑर्डर अभी भी रनिंग है। तो एक ऑर्डर में मुझे 40 रुपीज़ मिला और टोटल टाइम लगा 1 घंटा 1 मिनट। अभी दूसरा ऑर्डर ऐसा नहीं हो गया, ये भी कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी, तो इसमें भी वही सेम मिलने वाला है। तो देखता हूँ कितना होता है टोटल, और कल का वीडियो में कितना मिला वो तो आपको पता चल गया। कल का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा करने से वो भी मेकअप हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर के ड्रॉप लोकेशन में भी पहुँच गया, पिकअप तो उसी डे में हो गया, और इसको ड्रॉप कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अभी ये जो आवाज़ है ये भी ठीक से नहीं निकल रहा है, तो ठीक है इसको डिलीवरी करता हूँ और देखता हूँ कितना मिलता है। तो दोस्तों ऑर्डर हो गया डिलीवरी, रेटिंग दे देता हूँ और देखता हूँ कितना मिलता है। ओके 46 रुपीज़ गेट, अभी दो ऑर्डर ही कंप्लीट किया, इसमें देख सकते हो 89 रुपीज़। तो नेक्स्ट ऑर्डर में अभी जाना है, अगर असाइन हो जाएगा तो, और एक ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो दोस्तों और एक ऑर्डर ऑलरेडी मिल गया, तो जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करता हूँ और ये लास्ट ऑर्डर होगा, देखता हूँ। दोस्तों सोचा था ये ऑर्डर ही लास्ट ऑर्डर होगा ये बॉक्स पिज्जा का, लेकिन ये बहुत जल्दी रेडी हो गया और अभी तक 1:30 बजा नहीं, मतलब और भी एक ऑर्डर मिलने का चांस है। तो दोस्तों इस ऑर्डर को भी देखिए, इसमें भी 64 रुपीज़ मिला टोटल, और अच्छा होता है रात में, ऐसा प्रूव है पूरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से आ गया जेप्टो के साथ, और पहला ऑर्डर ऑलरेडी पिकअप हो गया, तो अभी डिलीवरी पॉइंट पे पहुंच गया, लिफ्ट के अंदर हो, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। और इसमें पैसा तो शो नहीं होता है, लेकिन आज संडे है, तो संडे होता है वीकली का लास्ट डे होता है, तो इस हिसाब से आज काम करने से बुधवार तक पैसा मिल जाता है। लेकिन मैं तो 2 दिन ही काम किया, सैटरडे संडे, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन काम जो है मुझे करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ और पूरा ऐसे ही आ गया जैसा होना चाहिए था। तो दोस्तों जिप्टो का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और अभी नीचे देख सकते हो ग्रीन कलर में बैक टू स्टोर, तो बैक टू स्टोर में जाने, मतलब अभी स्टोर के पास जाने के लिए बोल रहे, तो सिंपली मैं चला जाऊँगा अभी स्टोर के पास। दोस्तों कल जो जिप्टो वाली वीडियो है उसमें थोड़ा कुछ मिसिंग था, मतलब मैं गलती से ऐसा कर दिया कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया था उसमें, और कैसे कैसे करना पड़ता है, लास्ट तक क्या हुआ था, कैसे ऑफलाइन जाना पड़ता है, सब मैं एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा था वीडियो का, उससे पहले मैं वो वीडियो डिलीट कर दिया, जिसके लिए वो मिसिंग हो गया, मतलब मेरे वीडियो से मिसिंग हो गया। ठीक है, इसके लिए बस सॉरी। साइकिल के पास आ गया, मतलब पार्किंग में था, ये जब तो साइकिल जो मुझे मिला था, और आज भी ऐसा ही कर रहा हूँ, और लास्ट तक कितना ड्यूटी होगा पता नहीं। और आज जाके मैं 6:59 को मैं ज्वाइनिंग किया था आज, ठीक है, क्योंकि 7 बजे से 1 मिनट पहले भी आना चाहिए, ठीक है, तो मैं 7:01 पहले लॉगिन किया और काम स्टार्ट किया। अभी 45 मिनट्स बाद जाके मुझे पहला ऑर्डर मिला, क्योंकि नज़दीक का ऑर्डर कम मिल रहा था, अभी दूर दूर का भी ऑर्डर मिल रहा था, तो मेरा पहला ऑर्डर है, तो चलता हूँ अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए। दोस्तों इस ऑर्डर में थोड़ा दिक्कत हो गया, अब देख सकते हो कितना सारा आइटम है, इतना सारा आइटम इधर दे दिया आज, तो ये साइकिल में लेके आना पड़ा, तो चलेगा फिर भी लेके आया, डिलीवरी पॉइंट पे पहुंच गया ऑलरेडी। दोस्तों इतना दिन जितना भी ऑर्डर कंप्लीट किया जिप्टो में, आज थोड़ा सा लॉन्ग मिला, मतलब 900 मीटर के आसपास, इससे पहले 300, 200, 250, 100 मीटर। दोस्तों जिप्टो में ही जोमेटो का लॉग इन कर दिया, तो साथ ही साथ एक ऑर्डर भी ऐसा नहीं हो गया, उसमें 32 रुपीज़ का टिप्स है, लेकिन ये जिप्टो अभी ऑर्डर दे नहीं पाया, ऊपर से जोमेटो का ऑर्डर आ गया, और साइकिल से ही अभी फिर से रेस्टोर पे जाना पड़ेगा, साइकिल को सबमिट करना पड़ेगा, फिर जाके जोमेटो का जो ऑर्डर है उसमें जाना है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा लेकिन चलेगा। और टाइम के हिसाब से लॉग इन करना है, क्योंकि आज संडे है, तो मुझे गिग्स कंप्लीट करना था, जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी लॉग इन कर दिया, अगर तो 1 मिनट भी लेट हो जाता तो मेरा एक गिग्स कैंसिल होने से मुझे जो 1500 रुपये बोनस मिलने वाला था वो नहीं मिलता। ठीक है, जिसके लिए मैं एक ही साथ, मतलब इसके ऊपर जोमेटो का टी शर्ट डाल के फिर सेल्फी दे दिया, बस हो गया लॉग इन और ऑर्डर भी असाइन हो गया। दोस्तों मेरा पहला ऑर्डर लास्ट ऑर्डर हो गया डिलीवरी, अभी मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं अपना क्या बोल रहे हैं स्टोर पे, और अभी ये लास्ट ऑर्डर था, मैं ये लास्ट ऑर्डर, मतलब अभी मैं जब भी स्टोर में पहुँच जाऊँगा तो ऑटोमेटिक मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा, ठीक है, जिसके लिए मैं उसको टिक मार्क कर दिया, तो अभी चलता हूँ जल्दी जल्दी और जोमेटो का जो ऑर्डर है उसको कम्प्लीट कर दूँगा। दोस्तों पहला ऑर्डर तो बहुत पहले ही रेडी हो गया, सिर्फ मुझे आने के लिए लेट हो गया, और ऊपर से
बैग का फ़ोटो मांग लिया, जब पहुंच गया तो फिर से जाके बैग का फ़ोटो देना पड़ा। और सबसे अच्छा बात है कि डिले हो गया, डिले का मैसेज आ गया, तो जल्दी ले लेता हूँ, डिलीवरी करता हूँ। और इसमें टिप्स मिला है ऊपर से। दोस्तों पहला ऑर्डर पिकअप हो गया और थोड़ा दूर में ही डाल दिया पहला ऑर्डर की, मतलब इतना दूर में डालेगा सोचा नहीं था, मतलब पैसा थोड़ा ज़्यादा आएगा। ऐसे ही भी टिप्स डाला है तो ऐसे ही ज़्यादा आएगा, तो चलता हूँ कंप्लीट करता हूँ दूर जितना भी होने दो। दोस्तों जोमेटो के बारे में सोचते जोमेटो में कितना ऑर्डर कंप्लीट किया, कितना टाइम किया, वो कुछ भी देखा नहीं, तो अभी एक बार जाके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये ऑर्डर हो गया डिलीवरी, कस्टमर को रेटिंग दे देता हूँ और टिप्स भी मिला था 30 रुपीज़, तो लॉन्ग डिले शो हो रहा है कोई बात नहीं, और टोटल 62 रुपीज़ मिला। आज संडे है, हर एक ऑर्डर में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऊपर से ये लॉन्ग डिस्टेंस था। ओके, तो अभी तक टोटल अर्निंग हो गया 216 रुपीज़ टोटल, जो आप देख सकते हो अभी 2 घंटे 26 मिनट है टोटल। तो चलता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। दोस्तों कल रात में खाना नसीब में नहीं मिला, जिसके लिए 2 पैकेट बिस्किट खरीदा था, तो रात में 1 पैकेट खाया और अभी चलते चलते और 1 पैकेट खा लिया। मतलब सुबह से तो उठ के आके जोमेटो ज्वाइनिंग कर लिया, तो खाना बनाने का अभी टाइम नहीं है फिलहाल। और कल रात 2 बजे तक काम किया, फिर 6 बजे उठ के आ गया, तो मतलब 4 घंटा सोया कैसे भी करके, फिर जल्दी जल्दी आ गया और अभी 1 पैकेट बिस्कुट 1 बजे खाना खाना है। तो मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ और आपको वीडियो लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, सो थोड़ा लाइक कर देना अच्छा लगेगा। ऐसा ही वीडियो में बनाता रहूँगा, खा के ना खा के कैसे भी करके मैं आप लोगों के पास अपना इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। और दूर का जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट करके अभी मेन रोड के पास आ गया फिर से, तो अभी फिर से ऑर्डर लगने का टाइम है, तो देखता हूँ 12 बजे से तो बहुत ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि अभी तो संडे है, पहले तो संडे है, ऊपर से 12 बजने वाला है, लंच ब्रेक होने वाला है, तो देखता हूँ कितना होता है नहीं होता है। दोस्तों पिज्जा हट से एक ऑर्डर आया और उसमें 43 रुपीज़ शो हो रहा था, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों मेरा मन में एक सवाल आया था, मैं एक कहावत सुना है कि जो लोग पसीना से नहाता है वो लोग किस्मत बदलता है, तो मैं तो ऐसा डेली नहाता हूँ, डेली मतलब एक दिन भी छोड़ के नहीं, डेली नहाता, मेरा किस्मत कब बदलेगा? और इतना अमीर आदमी जो लोग है उसका जो बच्चा है वो तो कभी पसीना, उन लोगों को तो कभी पसीना आता ही नहीं, वहाँ हमेशा ए सी रूम में रहते हैं, उन लोगों तो पहले से ही किस्मत इतना चमकदार है, उतना अच्छा है, तो ये बस सही है कि गलत है थोड़ा कमेंट में बताना, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। अगर पसीना से नहाने से अगर किस्मत बदलता है ना, तो मेरा पहले बदलना चाहिए। पिज्जा अच्छा पिज्जा पिकअप हो गया दोस्तों, अभी चलता हूँ डिलीवरी पॉइंट पर, देखता हूँ कब कितना मिल जाए, ऐसे ही थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है। दोस्तों फिर से एक प्रॉब्लम में फंस गया आज, एक ऑर्डर दे दिया 26 किलोमीटर का, तो मैं उसको कैंसिल करने वाला हूँ। और आप लोगों के पास भी ऐसा ऑर्डर आ रहा है साइकिल आईडी में, तो आपको ज़रूर कैंसिल करना है, नहीं तो वो ऐसा देता रहेगा और आपको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आपको पता नहीं। तो दोस्तों अभी ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो ऊपर में कैंसिलेशन का, इसमें सब 0-0 है। साथ ही साथ एक ऑर्डर है, साथ ही साथ इसमें टिप्स भी मिला, तो चलता हूँ इसको कंप्लीट करता हूँ अभी। दोस्तों पहला ऑर्डर में टिप्स 30 रुपीज़, सेकेंड ऑर्डर में टिप्स 20 रुपीज़, बीच में जो ऑर्डर टिप्स नहीं मिला था वो हो गया कैंसिल, तो अभी देखता हूँ आगे जाके क्या होता है। दोस्तों एक ऑर्डर करने का मन नहीं है, लेकिन अभी मल्टी ऑर्डर ऐसा हो गया, कल जाके 2 पैर को खाया था और अभी 2 पैर निकल गया ऑलरेडी, अभी तक खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मतलब बिजी हो, ऐसा नहीं कि बिजी नहीं है, बिजी हो लेकिन इतना बिजी होना भी सही नहीं। कल 2 पैर को खाया था, रात में भी खाने के लिए नसीब में नहीं हुआ और अभी तक तो इसका टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब मैं थोड़ा बंद करके जाऊँ पूरा का पूरा गिग्स बुक है, तो कैंसिल भी नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट का लेट हो जाएगा तो 1 गिग्स कैंसिल हो जाएगा, और 1 गिग्स कैंसिल होना मतलब बहुत बड़ा लॉस। तो अभी अभी 2 मल्टी ऑर्डर है देख सकते हो, इसमें दोनों पिकअप मेन मॉल के अंदर ही है, ऐसे भी मेन मॉल में आने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन और 2 ऑर्डर देने से और भी खुश आता है, और अभी तक अच्छा सा अर्निंग हो रहा है दोस्तों, मतलब अर्निंग तो हो रहा है लेकिन जिसके लिए अर्निंग करता है वही तो नहीं हो रहा है, सब लोग खाने के लिए सब कुछ कर रहा है लेकिन मेरे को तो खाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी तक 5 घंटा 37 मिनट हो गया,
और टोटल जो अर्निंग है 502 रुपये। और इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, मैं एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया जिसके लिए ऐसा शो हो रहा है। दोस्तों कल से आज तक ओनली एक प्लेट चना मसाला खाया, कल दोपहर से अभी तक। जस्ट अभी टाइम हो गया 4:20। तो कोई कभी सिचुएशन ऐसा आता है जो ऐसा करना पड़ता है। इतना सारा खाना देख रहे हैं लेकिन ये खाना नहीं, ये फोटो है खाना, ये भी था जस्ट खाना गया। दोस्तों रूम पे आने के लिए थोड़ा सा मौका मिला और रूम पे आया, तो कल नहाया नहीं था सॉरी, जिसके लिए अभी थोड़ा सा पानी देके इसको धुला दिया, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था, सर भारी हो गया था बहुत ही। हमेशा ऐसा गाड़ी में घूमना फिरना होने से ये धूल लग जाता है पूरा। फिर इसको शैम्पू किया, अभी थोड़ा हल्का लग रहा है। और रात 12 बजने के बाद जगह नहाएगा और रूम पे आने की, मतलब अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे जिसके लिए मैं वो रूम पे आ गया। लास्ट ऑर्डर बहुत दूर गया था, उसको कंप्लीट करके आया, और जब तक ऑर्डर्स नहीं आएगा तब तक रूम पे ही रहूँगा। और अभी ऑनलाइन में ही हुआ, अभी भी ऑनलाइन में हूँ लेकिन ऑर्डर्स नहीं है। तो चलता हूँ स्क्रीन पर कितना अर्निंग किया देखा था। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, आप देख सकते हो 9:07 हो गया ऑनलाइन, और टोटल जो अर्निंग है 733 रुपया है। जो ऑर्डर्स है और 19 ऑर्डर है, और कस्टमर से टिप्स 50 रुपया तक मिला, ठीक है। और ये हफ्ते में टोटल अर्निंग कितना हो गया वो तो ड्यूटी का लास्ट में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक इतना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो अभी तक तो इतना हुआ है, और लास्ट तक कितना होगा वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों जेप्टो में आज कितना ऑर्डर किया, तो जेप्टो जो डिलीवरी एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ आज कितना ऑर्डर किया। मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया क्योंकि इतना हार्ड वर्क था, इतना बिजी था मैं कि मैं कुछ देखने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ऑर्डर हिस्ट्री में चला जाता हूँ, तो इसमें ओके आ गया है। तो पहले से गिनती करके देखने से 3, 6, 9 टोटल आज 9 ऑर्डर किया, और लास्ट में एक ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल मतलब वो जो टीम मैनेजर है, सॉरी स्टोर मैनेजर, वो मेरा, मैं बोला कि सर मैं ऐसे ही मैं ऑफ कर दिया, फिर क्यों मेरा ऑर्डर आ गया, तो उसने जाके फिर वो उसको हटा दिया। और नहीं तो 10 ऑर्डर करना पड़ता, और आज 9 ऑर्डर करने में बहुत टाइम लग गया था। और मतलब पहले से 7:45 तक मतलब कोई ऑर्डर नहीं था, उसके बाद जाके ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, और इतना जल्दी जल्दी आ रहा था। थोड़ा आज थोड़ा सा दूर में दिए थे, पिछले दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा दिया था 250 मीटर 500 मीटर, आज 900 मीटर तक दिया, तो इतना बस। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद एक ऑर्डर आया, वो भी टेको बेल में। तो टेको बेल में अभी तो इतना सारा आदमी अभी तक बैठा है जिसका अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। और इस तरफ भी है जोमेटो स्विगी, सबके बाद में मेरा है, तो वो बोल रहा है अभी आज तो नहीं मिलेगा, कल सुबह तक मिल जाएगा, तो क्या होगा पता नहीं। और ऊपर से ये बहुत लेट करता है, और आज तो और भी सिस्टम कुछ ख़राब हो गया उसका, कंप्यूटर जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया, फिर बिजली चला गया था, तो आज होगा कि नहीं पता नहीं। तो बोल के आया एक बार कि जल्दी जल्दी दे दीजिए, बोला ठीक है वेट करो, वेटिंग टाइम भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो देखता हूँ कितना टाइम होता है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो इसमें 12 मिनट ऑलरेडी लेट कर दिए रेस्टोरेंट, लेट बाई 12 मिनट्स, तो और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। पहले तो बिजली आया था फिर चला गया, उसका सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर लाइट आ गया, क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, आज मिलेगा नहीं सर। तो दोस्तों ये यहाँ पे ऑर्डर डिले होने का कारण पूछ रहे हैं, तो ऑर्डर इज़ नॉट रेडी कर देता हूँ, और कितना टाइम में रेडी होगा कितना टाइम देगा पता नहीं, लेकिन 20 मिनट दे देता हूँ अभी तक, 20 मिनट तक मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत टाइम से खुश नहीं था, मतलब रेस्टोरेंट वाले इतना लेट करा दिया, एक एक ऑर्डर में एक एक घंटा लगा दिया, और अभी एक ऑर्डर में टिप्स आया, तो से थैंक यू बोल देता हूँ और थोड़ा खुश हो जाता हूँ। दोस्तों पहले जैसे कि संडे आता तो मतलब लॉटरी लग जाता है ऐसा लग रहा था, ठीक है, लेकिन अभी संडे आने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हर एक दिन ऐसा ही मतलब सिंपल ही जाता है, संडे या हो मंडे, रोज़ खाओ अंडे, तो ऐसा नहीं है, पूरा बेकार संडे मतलब कुछ भी नहीं हुआ। 1000 दूसरा दिन तो 1000 रुपया हो जाता, आज 14 घंटे के आसपास मैं लॉग इन हूँ, अभी तक मेरा 1000 रुपीज़ भी कंप्लीट नहीं हुआ। और एक ऑर्डर लेने के लिए आया,
ये ऑर्डर अगर कंप्लीट करूँगा तो भी 5 रुपया बाकी रहेगा 1000 रुपीज़ होने के लिए, तो कुछ फ़ायदा नहीं। सच में बोलता हूँ कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, संडे होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं, बस संडे बेकार हो गया। तो इसी हिसाब से दूसरा, जैसे कि मंडे होता है, ट्यूजडे होता है, वो दिन और भी अच्छा है, संडे या सैटरडे से, ठीक है। तो देखा था कितना हुआ या नहीं हुआ, एकदम बेकार चला जाए। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, पहले तो एक ऑर्डर है अभी, ये 25 रुपये का ऑर्डर है और अभी तक देख सकते हो 970 रुपया हुआ है। तो ये 25 रुपये दे देने से कितना होगा, 995 रुपया होगा, तो 5 रुपये बाकी रहेगा 1000 रुपीज़ होने में, ठीक है। और टाइम अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, टोटल टाइम हो गया 13 घंटा। ओके, ऑर्डर अभी रेडी हो गया, जल्दी जल्दी डिलीवर करता हूँ। 13 घंटा 33 मिनट हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, और अभी तो ये देते देते 14 घंटा हो जाएगा। तो दोस्तों इस ऑर्डर में थोड़ा सा मिराकल हो गया, इसमें अभी शो कर रहा है 1023 रुपीज़। एक्चुअली तब था मेरा 970 रुपया, तो सडनली 1023 रुपीज़ कैसे हो गया पता नहीं। अभी जो ऑर्डर है वो डिलीवरी गया, उसमें मुझे बोला 22 रुपीज़, तो उसी हिसाब से मुझे और भी कम मिलना चाहिए था, 92 रुपीज़ मिलना नहीं चाहिए था, 992 रुपया। तो लेकिन ऐसा कैसे हो गया पता नहीं, कुछ तो हुआ है, चलेगा ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। दोस्तों एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप कभी भी वीकली अर्निंग के बारे में कुछ नहीं बताते हो, कितना अर्निंग होता नहीं होता, तो आपके लिए ये स्पेशल पार्ट है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप जानना चाहते हो तो सिंपली मैं बताता हूँ। ये हफ्ता तो 7000 से ऊपर हो गया, ऊपर से 1500 का इंसेंटिव आने वाला है, तो 8500 रुपया ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पिछले हफ्ता हो गया था 7000 के आसपास, लेकिन 300 रुपया मेरे पास अभी तक आया नहीं, क्योंकि वो बोला है जोमेटो से कि वो आ जाएगा, कुछ टेक्निकल इशूज़ है जिसके लिए अभी वो होल्ड हो गया है 375 रुपये का, क्योंकि वो जो इंसेंटिव था उसका बारे में मैं बोल रहा हूँ। और ये हफ्ते का इंसेंटिव था 1500 रुपये का, तो ये हफ्ता तो मिल जाएगा इंसेंटिव का, तो टोटल 8500 के आसपास हो जाएगा। बहुत मेहनत किया इस हफ्ता, तो देखता हूँ और अगले हफ्ता, मतलब ये कल से मंडे से, तो थोड़ा बहुत काम होगा। और ऑफ़र भी आया, फिर से ऑफ़र आया एक, तो उस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो देखता हूँ कितना होता नहीं होता है। दोस्तों वीडियो में बने रहना बस। दोस्तों आज का अर्निंग है अभी तक, मतलब अभी 11:17 हो गया, अभी तक हो गया 1023 रुपीज़। टोटल टाइम देख सकते हो 13:57, ठीक है। और जो टोटल वीकली अर्निंग के बारे में मेरा दोस्त जो बोला है, ठीक है, तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा। ओके, राउंड ऑन राउंड, ओके, इसमें देखना है। तो दोस्तों वीकली के बारे में पूछ रहा था, तो वीकली देख लीजिए इसमें। तो पहला दिन मिला था मुझे 1022 रुपीज़, उसके बाद 1100। ओके दोस्तों, बात करने के टाइम एक ऑर्डर आ गया, फिर भी मैं बताता हूँ, तो चलिए पहले जो दिख रहा था वो देख लेता हूँ। और ये हफ्ते में जो हुआ है टोटल, अभी तक तो होने वाला है, 1 घंटा बाकी है जैसे कि, तो 7189 रुपये हुआ, और अभी जैसे कि आ रहा है तो ऐसा होता रहेगा और भी, तो देखता हूँ लास्ट तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये लास्ट ऑर्डर था, और लास्ट ऑर्डर मतलब कर दिया अभी, और अभी से बारिश हो रहा है, आप देख सकते हो, इससे पहले थोड़ा होना चाहिए, और हाथ में है 10 मिनट, शायद एक ऑर्डर मिल सकता है, तो उसमें एक ही सर्जी पे मिलेगा, इसमें सर्जी पे नहीं मिला था, लेकिन इसमें 69 रुपये मिला, ठीक है, टोटल तो हुआ अच्छे से हुआ। और एक ऑर्डर मिलने का चांसेस जो देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है मतलब थोड़ा सा सर्जी पे मिल सकता है, लेकिन इस टाइम में बारिश होना बहुत बेकार है। दोस्तों मैं सोचा अभी और ऑर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डर के चक्कर में मुझे बारिश में भीगना पड़ सकता है, और बहुत दूर में भी जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए मैं अभी ऑफलाइन करता हूँ, गो ऑफलाइन। तो थैंक यू अभिराम जी, ओके। तो अभी भी ऑनलाइन जाने का टाइम है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। दोस्तों वीकली कितना अर्निंग होता है जोमेटो से, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वी पे आउट पे चलता हूँ, और वीकली में चलता हूँ, सिंपली आप देख सकते हो टोटल अर्निंग ये हफ्ते का, पूरा हफ्ते का, इसमें टोटल अर्निंग हो गया 7258 रुपया, ठीक है। ऑर्डर अर्निंग हो गया 6318 रुपीज़, सर्जी पे था इसमें 375 का, कस्टमर से टिप सबसे ज़्यादा मिला है ये हफ्ता,
465 रुपये, और एडिशनल जो अमाउंट है जो गिग्स बोनस होता है वो अभी भी मिलेगा, ठीक है, तो वो मिला 100 रुपीज़। तो आज का दिन का गिग्स बोनस कल असाइन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, एक दिन बाद हो जाता है। तो मंथली अगर बताया जाए, ये महीना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट 3 डेज चल रहा है, तो 3000 रुपया हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो हर तरफ से अच्छे से चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी है, तो अच्छे से चल रहा है, देखता हूँ आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों आज का अर्निंग भी देख लिया, वीकली अर्निंग भी देख लिया, मंथली अर्निंग भी देख लिया, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। और आज जेप्टो का और जोमेटो का दोनों का वीडियो एक ही साथ डाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में कंपेयर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे कल का वीडियो कल तक आ जाएगा।